भय के बिना कैसे रह सकते हैं। यदि किसी मनुष्य के पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है, यदि उसके अंदर अंगीकार ना किए हुए पाप है, तो उसके हृदय में भय रहेगा। जब आदमी ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो वह भय से भर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। उत्पत्ति 3:10। ऐसे वे कहता है, जब तक आपके अंदर अंगीकार ना किए हुए पाप हो तो भय आपको सताता रहेगा। ये भय विभिन्न रूप से प्रकट होगा, परंतु उन सब का कारण कुछ अशुद्ध वस्तु है जो हृदय में छिपी हुई है। 1 जूना 4:18 में हम पढ़ते हैं कि शुद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, जिस सिद्ध प्रेम कलवरी का प्रेम है। क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर की बड़ी आज्ञा का उल्लंघन करना, अर्थात वो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। Matthew 22:37-38। इसलिए सबसे बड़ा पाप है अपने सारे हृदय से परमेश्वर से प्रेम नहीं रखना। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान है अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखना। यीशु के प्रति हमारे प्रेम को हम कैसे माप सकते हैं? हम यीशु से उतना ही प्रेम रखते हैं जितना हम अपने सबसे बुरे शत्रु से प्रेम रखते हैं। हम इस सच्चाई को मत्ती के 25 अध्याय में पढ़ सकते हैं। जो कुछ आपने छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए किया, वह यीशु के लिए किया। कुछ लोग न्याय के दिन यीशु को जे कहते हुए सुनकर बुचक्के हो जाएंगे कि तुमने मुझसे बैर किया। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रिय पाठक, अपने सारे पापों के साथ यीशु के पास जाएं। कलवरी का प्रेम आपके सारे पापों को क्षमा करेगा और आपके लिए सारे द्वार खोल देगा। आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, कलवरी का प्रेम आपके सारे भय को जीत लेगा। कलवरी पर यीशु ने मृत्यु के भय को नाश किया और जीत लाया। सुबह का मन्ना। जो सच्चाई आप वीडियो के माध्यम से सुनते हैं, वो सच्चाई द पेंटिकॉस्ट मिशन के संतों के द्वारा दी गई है। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।